हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ऐसी गाड़ी लेके आए हैं जिसकी जो आजकल मार्केट में दिखती तो बहुत कम है लेकिन उसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी की हम बात कर रहे हैं 800 की, मारुति 800, जो भाई ने ऐसा काम करवा रखा है शायद ही आपने अभी तक किसी 800 के अंदर वो काम देखा हो। और वो आज हमें बहुत मुश्किल से मिली हैं, वो खुद ही मैकेनिक हैं, खुद ही अपनी गाड़ी में सारा काम करते हैं और डिटेल रिव्यू देंगे वो आपको ऑनरशिप का। अब चलते हैं हम गाड़ी के पास। हेलो गौरव भाई। हेलो भैया। हाँ जी, ये है हमारे गौरव भाई। तो बताइए भैया, आपने गाड़ी में क्या क्या करवाया हुआ है काम? इस गाड़ी को हमने पूरा एक नई लुक देने के लिए इसको पूरा मॉडिफाई किया है, इसके इंजन से लेके इसको इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ हमने कस्टम किया हुआ इसका। ओके हाँ जी, तो चलें गाड़ी के पास। हाँ, ये है जी गाड़ी, देखिए। पहले आप गाड़ी का वॉक अराउंड देखिए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम, और एक एक चीज़ हम डिटेल में समझाएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे। बताइए भैया, क्या इसमें करवा रखा है, क्या है आपने इसमें मॉडिफाई किया? आपने खुद ही किया है ना ये सारा काम? खुद ही भाई मैकेनिक है, खुद ही भाई इलेक्ट्रीशियन है, खुद ही भाई इस गाड़ी में सब कुछ जो ए टू जेड काम किया वो भाई ने खुद ही किया है, एक दो काम को ही छोड़ के, लाइक पेंट वगैरह बस। तो दिखाइए जी। सबसे पहले हम इसके पेंट भी आते हैं, ये इसका पर्ल वाइट पेंट है ये, ठीक है, जो मारुति नहीं देती। फिर ये सियाज में पेंट आता है वाला, ठीक है जी, सियाज में देती है। अब हमने इसको पेंट करवाया, सारा टिको है और ये ग्लॉस ब्लैक के अंदर है, ये ग्लॉस ब्लैक में है। बंपर जो है ठीक है, बंपर हो गया इसकी, एसेसरीज होगी। इसकी हेडलाइट भी देख रहे हैं ना हम, दूसरी है कोई नॉर्मल मारुति वाली हेडलाइट नहीं है। जो हेडलाइट्स है वो हमने बेलिनो की इसमें लाइटें फिट कर रखी हैं इसके अंदर। देखिए बेलिनो की एचएडी की हमने किट इसमें इंस्टॉल कर रखी है, और बेलिनो के। और एक ग्रिल जो है ये भी, हाँ जी, ग्रिल आपको पूरी ग्लॉसी में है। नीचे DRL है, इसके DRL में चलते हैं सर। इसके इंडिकेटर जो आ चुके हैं इसके अंदर आ चुके हैं LED में, ठीक है जी। और ये भी ग्लॉसी में है, आपने सारा काम ग्लॉसी में कर रखा है, छत तक इसकी ग्लॉसी में कर रखी है, सारी ग्लॉस कर रखा है, ठीक है। मेरा जी इसका टायर के ऊपर, हमने इसके टायर अलॉय इसके चेंज करवा रखे हैं, ठीक है। 13 इंची इसमें टायर है, ठीक है। बॉक्सिंग इसके अलॉय व्हील डले हुए हैं 13 इंची के अंदर, इसमें डलवा रखे हैं 13 इंची में अलॉय व्हील डलवा रखे हैं। पूरी गाड़ी फुल गाड़ी पेंटेड है, अंदर से बाहर से हर जगह से पेंट है गाड़ी। कौन सा मॉडल है भाई ये गाड़ी? सर ये 7 मॉडल है, 2007 मॉडल, 7 मॉडल है, ठीक है। बहुत वेल मेंटेन रखी हुई है, 2007 मॉडल आपने, ठीक है। दिखाइए अंदर से, दिखाइए अंदर से जो है, बहुत गाड़ी तो अंदर से ही देखने वाली है। तो सबसे पहले इसकी बात आ जाती है, हमने सीट कवर वगैरह की, ठीक है, हमने इसकी सीट कवर है एक्स्ट्रा पैडिंग करवा रखी है, जितने भी इसके सीट कवर हैं। ओके, सीट कवर की वीडियो हमने पहले बना रखी है स्पेशल, अगर सीट कवर की वीडियो देखनी है वो चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी, इसके जो सीट कवर है ऑटो फॉर्म के, हमने सीट कवर डाल रखे इसके अंदर, ये देखिए जी ऑटो फॉर्म के, ऑटो फॉर्म की बैजिंग है, ठीक। प्लस बैग भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सीट कवर से पहले एक्स्ट्रा कुशनिंग के अंदर है, एक्स्ट्रा कुशनिंग, ठीक है। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं डोर पैनल, इसे देख सकते हैं आप, इसके पूरे लेदर के अंदर डोर पैनल है, पूरी लेदर, फुल लेदर के अंदर है, फुल ब्लैक इंटीरियर है इसका, इसका कोई भी पार्ट्स ब्लैक। ओके, आप देख सकते हैं 4 अपने कंपोनेंट्स इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, म्यूजिक के अंदर आ जाते हैं तो 4 इस पे कंपोनेंट है,
आगे भी देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए आप। अच्छा पीछे भी हैं ये? हाँ, पीछे भी आप चेक कर सकते हैं। पीछे छोटा? हाँ जी, पीछे भी मैंने निपॉन का इसमें वो लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है इसके अंदर। ठीक है, नीचे हमारी मैटिंग आ जाती है, हमने लेदर की इसमें मैटिंग करवा रखी है, नीचे लेदर की मैटिंग। ओके, मैटिंग तो है। हमने पाइने के इसमें प्लेट लगा रखे हैं। अच्छा जी, इसमें म्यूजिक सिस्टम में आपने, इधर आ जाइए, म्यूजिक सिस्टम में कौन सा सिस्टम है? म्यूजिक सिस्टम में पाइनर लगा हुआ है जी, DX3 इसमें पाइनर लगा हुआ है। और इसमें हमने इसके पीछे बूफर इंस्टॉल कर रखा है। बूफर कौन सा? सर हमने एक्सप्लोर का रखा हुआ है, ग्लास बॉक्स। ओके, ग्लास बॉक्स, ग्लास बॉक्स रखा हुआ है हमने, एम्प ये भी इंस्टॉल कर रखा है सिर्फ। ठीक है, सोनी एक्सप्लोर। हाँ जी, सोनी। और ये एम्प है इसके अंदर। और भाई क्या क्या एक्स्ट्रा करवा रखा है आपने, जो मेन चीज है? आप जो बात आती है अंदर की, अंदर आपने देखेंगे अभी स्टार लाइट चलती है अंदर, हमने इसमें स्टार लाइट लगवा रखी है, जो आपकी सिर्फ रॉयल्स रॉयस के अंदर आती है। तो अच्छा भाई साहब, ये तो रॉयल्स रॉयस बना रखी है आपने भैया पूरी। ये देखिए छत के ऊपर, और ये रात असली व्यू इसका जो है इन लाइट्स का रात को आता है, नाइट में। इस बंद कर दीजिए थोड़ा सा, पीछे की भी डिग्गी लगा दें, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। वैसे असली व्यू इनका आता है रात को, रात को बहुत औसम लगती होगी ये। ये देखिए, और इसके अलावा आपने एम्बिएंट? हाँ जी, एम्बिएंट लगा के हमने कार्डिक इसके अंदर। ओके, ये अपना कलर्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं इसके, देख सकते हैं। इसके हैंडल्स में चलेगी आपकी? अच्छा, इसके अंदर भी आ रही है, हैंडल्स चेंज चलेगी, और चारों इसके पैरों में चलेगी। ठीक है, चारों यहाँ पे ये देख सकते हैं, नीचे सिस्टम है पाइनर का। और कुछ भैया और बताइए गाड़ी के बारे में, इंजन की तरफ आ जाते हैं इसके अंदर। इंजन दिखाइए, इंजन, इंजन की तरफ आती है। पहली बार इसका ये गाड़ी चलाने, मैंने भी गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाने में ऐसा ही लग रहा है ये, पता नहीं शायद 2022 मॉडल गाड़ी है ये। ऐसा क्यों लग रहा है ये 2022 मॉडल है, आप बताओ जरा। सर हमने इसके इंजन, एक सेकंड भैया, ट्रक जा रहा है, इसे जाने दें, फिर बता दें इसके इंजन के अंदर। एक मिनट हम खड़े हैं यहाँ पे NH152 इस समय। हाँ जी भैया बताइए। हमने इसके इंजन में सर हमने टर्बो फिट कर रखा है, टर्बो के? हाँ जी, टर्बो, एक्स्ट्रा टर्बो लगा रखा है। ठीक है, टर्बो आता नहीं है, टर्बो इसमें इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, हाई स्पीड पिकअप के लिए। और इसका जो स्टेयरिंग है वो आपको पावर मिलेगा। अच्छा, इसकी जो ब्रेक्स है वो आपको पावर मिलेगी। अच्छा, ब्रेक्स और स्टेयरिंग दोनों पावर मिलेगा। ठीक है, टर्बो वैसे कहाँ पे फिट होता है इसमें? सर वो नीचे फिट होता है। अच्छा, बम्पर खोल के तो फिट होता है वो, तभी दिखता है, वैसे दिखता नहीं वो। ठीक, नहीं वो देखने की छोड़ो, चला कर ही पता लग गया भी इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। वो तो हमें चला कर ही पता लग गया था भी एक्स्ट्रा इसमें है कुछ, क्योंकि ये इतनी पिकअप तो मारुति हमने बहुत चलाई है, लेकिन मारुति में इतनी पिकअप आती नहीं है, इसकी तो बहुत अल्टीमेट पिकअप है। और जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि आपने लास्ट कहाँ तक ये हिट की हुई है? मैंने 150 तक इसको, 140 क्रॉस मीटर हो चुका था इसका, 140 तक तो पहुंच ही जाती है, उसके बाद ही इसका मीटर क्रॉस हो जाता है। अच्छा, इसका बाद क्रॉस हो जाता है? इसके बाद ही क्रॉस हो जाता है इसके मीटर। अच्छा, हां जी, टर्बो लगाने के अंदर से रोल्स रॉयस इंजन से, फिर ये क्या है ये? कुछ भी लगा लो सर, चलो कुछ भी हो सकता है, रॉकेट ही हो जाएगा। चलो और बताइए भैया इस गाड़ी की कोई और बढ़िया खूबी? कौन सा मॉडल है ये? ये सर 2007 मॉडल है। अच्छा जी। यार मेरा तो दिल आ गया भैया इसके गाड़ी के ऊपर, आप बताओ कितने की लोगे? सभी का आ जाता है सर। नहीं, कितने की दोगे ये सेल कर? दो शौक से रखी हुई गाड़ी है। ठीक है, इसको सेल पे नहीं करेंगे फिलहाल। अच्छा, फैमिली के लिए चलाएंगे। फैमिली के लिए बंद कर दीजिए इंजन इसका, ये सारा पेंट है ना? कोई नीड नहीं थी वैसे भी, हमने शौक से पेंट करवाया था। अच्छा, ठीक है।
तो वैसे अगर कोई आते होंगे आपके पास भी, भैया हमें गाड़ी दे दो, आते हैं, बहुत आते रहते हैं, रेट भी लगते हैं, बट मेरा हमारा नहीं, अभी मूड नहीं है देने का। अच्छा, अपने लिए रेडी करवाइए वैसे गाड़ी है। ठीक है, हाँ जी सर। थोड़ी सी भैया अंदर से देखें, फिर थोड़ी चला के इसकी राइड वगैरह लें थोड़ी सी। हाँ जी सर, बिल्कुल, आ जाइए देखते हैं। हाँ जी, हम गाड़ी में आ गए हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट कवर है ये। हाँ जी भैया, तो फिर करो स्टार्ट। वाह, हाँ जी चलिए चलें, यूटर्न ले लीजिए बस। पावर स्टेयरिंग, अच्छा एसी भी है भैया इसमें। धीरे धीरे, अभी धीरे चलिए, टर्बो ऑन कीजिए इसका। ये बताइए हमें, इसके अंदर एसी हीटर दोनों है? हाँ जी, ये कंपनी से आए थे एसी या सर? एसी कंपनी से आता है, बट हमने हीटर इसमें इंस्टॉल कर रखा है। हीटर आपने इसमें इसमें खुद इंस्टॉल किया? हाँ जी, खुद इंस्टॉल किया। ओके ओके, तो अंदर से देखिए, ये बढ़िया बना रखी है अंदर से भी, सब काम वर्किंग है इसका और सब जेन्युइन है। ये देखिए, ये भी भैया ने एलईडी लगा रखी है, और ये सबसे बढ़िया चीज तो ये देखिए, ये देखो अब आ रहा है इसका व्यू पूरा पीछे से, और ये एम्बिएंट लाइट तो है ही बढ़िया। थोड़ा सा टर्बो को चेक करें, थोड़ा कैसे मतलब इसकी पिकअप वगैरह है। लिए एकदम हिट होती है गाड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लग रहा है ये नॉर्मल मारुति जैसी तो चल नहीं रही है, वर्किंग में है टर्बो आपका वाकई, तो बस अब देखते हैं, चलते हैं कहीं रुकते हैं। गाड़ी की राइड लेकर अभी हम आए हैं, जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं, और तो बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी ये, और वाकई में जो टर्बो इसमें इंस्टॉल हुआ है उसका दिखता है बैठ के काम ना भी, कहीं ना कहीं बूस्ट होती है गाड़ी। ये भैया काम किस समय करता है ये बैटरी, मतलब पहला गियर डाल के काम स्टार्ट? ऑन हो जाता है उसी टाइम, ऑन हो जाता है। और अभी मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ये 60 प्लस स्पीड के बाद ही प्रॉपर वर्किंग में आता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो जनरल जो गाड़ी होती है, जो जनरल लगे आते हैं साथ गाड़ी में, उनमें ये फंक्शन होता है। बाय द विंग गाड़ी में ऐसे होता है कि नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, स्टार्टिंग में चलना शुरू, स्टार्टिंग में चलना शुरू होता है, इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस भैया और तो कुछ नहीं रह गया, तो बस अब हाँ एक चीज़ रह गई मेन। चलो वीडियो एंड करने से पहले एक बार इसकी साउंड सुनाओ म्यूज़िक की, ठीक है? म्यूज़िक की साउंड सुनते हैं, दिखाते हैं आप, ठीक है? तो क्या क्या आपने कौन सा सिस्टम बताया इसमें अभी, म्यूज़िक सिस्टम? पाइनर का प्लेयर लगा हुआ जी, पाइनर का प्लेयर है। हाँ जी, और चार इसमें किकर के स्पीकर लगे हुए, डी लाइन किकर के। ओके, एक्सप्लोड की हमने वो रखा हुआ, सब ऊपर रखा हुआ इसमें, 1800 वाट, 1800 वाट, ठीक है। इसकी साउंड कैसी होती है वो सुनाओ। साउंड अल्टीमेट है। वैसे तो देखो इसमें वीडियो में साउंड वगैरह का प्रॉपर नहीं पता लगता, आइडिया हो जाता है, पर ये अभी हम बैठ नहीं पाए थे, भैया ने वूफर चलाया था, लेकिन हम मेरे को तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुई इतनी ज़्यादा ये हैवी साउंड थी। करना ज़रा स्टार्ट,
यूनिट साउंड है इसकी, बहुत ज़्यादा बढ़िया साउंड है। साउंड के साथ साथ गाड़ी भी बहुत बढ़िया आपने वेल मेंटेन रखी है। तो भैया बेचने का फिलहाल आपका कोई मूड नहीं है, बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। चलो इसकी कोई, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत इसकी वैल्यू लगती है, वैसे क्या वैल्यू लग चुकी है इस गाड़ी की? 185। लास्ट 185,000 इसकी लास्ट वैल्यू लग चुकी है गाड़ी की। पर भाई का बेचने का तो ऐसा कोई मूड नहीं है। आपने कितने की ली थी ये? सर मैंने ली थी 55 की। ऊपर कितने लग गए आपके? ऊपर 120 तो लगा। अच्छा, 120 तो आपके लग चुके। ठीक है ठीक है ठीक है। और भाई साहब आपने पर गाम भी सारा जेन्युइन करवाया है ना इसमें? टोटली जेन्युइन काम हुआ है। ठीक है, टोटली जेन्युइन काम हुआ है। जो जो पार्ट्स मिलते नहीं थे वो भी आपने कहीं ना कहीं से निकाल के लगा दिए। तो ठीक है भैया, फिर चलते हैं, मिलते हैं कभी। हाँ, अगर किसी भाई को कोई जो ये चीजें गाड़ी में लगी हुई हैं, लाइक इसकी एम्बिएंट लाइट हो गई और ऊपर जो रूफ लाइट, ये रूफ का ये स्टार लाइट हो गई जो रोल्स रॉय में आती हैं, और या और भी कोई भी चीज़ की अगर आपने कोई प्राइस जानना है या कैसे लगेंगी, तो भाई यही मैकेनिक है, यही लगाने वाले हैं इस गाड़ी में भी, और यही ये सामान परचेज खुद करके लाई है। तो भाई का नंबर मैं दे दूंगा, भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या आपके यहाँ पे नंबर अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। तो अभी चलते हैं बस, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहोगे, आप कमेंट्स में बताओ भी, हम पूरी फिर डिटेल में और एक वीडियो बना देंगे इसी गाड़ी पर भी, हमारा कितने की क्या कॉस्टिंग आई, सीट कवर्स की, लाइट स्टार लाइट की, एम्बिएंट लाइट की, और अलॉय व्हील, टायर, पेंट, मतलब ओवरऑल कितने की क्या क्या सिंगल सिंगल कॉस्टिंग आ गई गाड़ी की। देखिए यहाँ पर भी भैया ने बढ़िया ग्लॉसी पेंट करवा रखा है, यहाँ पर भी, उसकी हम अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।